हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइथन की आइडियली ओपन हो गई है और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, क्लास ट्वेल्थ में ये कई बार आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये क्वेश्चन, टू एंटर टू नंबर्स। अब देखिए ये टू नंबर्स एंटर कराना, आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद ये भी लिखा हुआ है प्रिंट द डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंसेस बिटवीन टूज, ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर करना है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आखिरकार प्रोग्राम कह क्या रहा है, तो कह ये रहा है ना कि आप दो वेरिएबल बनाइए, a इज इक्वल टू इंट इनपुट। अब देखिए इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, यहां पे देखिए डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है, और इंटीजर है तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर अ नंबर एंटर अ नंबर। अब चूंकि दोनों नंबर ही एंटर करवाना है तो पहले में तो नंबर एंटर करवा दिया, किस टाइप का नंबर एंटर होगा, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का नहीं होगा, लेकिन दूसरे में आपको करवाना है फ्लोट टाइप का, तो यहां पे लिखा फ्लोट और फिर इनपुट और एंटर एंटर टू नंबर एंटर अ नंबर एंटर अ नंबर। तो यहां पे फ्लोट दे दिया और यहां पे क्या किया, यहां पे हमने दे दिया है इंटीजर, ऊपर इंटीजर दिया है नीचे फ्लोट दिया है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं F5 करके, यहां पे प्रोग्राम के नाम से सेव कर देते हैं, ये देखिए ये .py लगा के सेव करिएगा और ये सेव कर फ्लोट में। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले प्रिंट करवा लेता हूं, प्रिंट इंटीजर इंटीजर नंबर इज, ये हो गया और ये ए हो जाएगा, ए में जाके इंटीजर स्टोर होगा और फिर यहां प्रिंट करवाते हैं फ्लोट float फ्लोट नंबर इज, और फ्लोट में क्या जाके स्टोर होगा, तो बी जो है बी में फ्लोट स्टोर होगा। अब इसको चलाते हैं F5 करके इसको, तो यहां पे देखिए कह रहा एंटर अ नंबर, तो अगर मैं यहां पर 4.5 एंटर करता हूं तो एरर जनरेट करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यही चीज इंटीजर एंटर करूंगा या प्लस या माइनस में एंटर करूंगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस में एंटर किया तो यहाँ पे ये तो एक्सेप्ट हो गया, यानी यहाँ पे एंटर हो गया डेटा। अब यहाँ पे कह रहा है ना एंटर अ नंबर, फिर कह रहा है अगर मान लीजिए आपने इंटीजर में एंटर किया तो ये देखिए अपने आप जो है फ्लोट बन जाएगा, सेकंड वाला अपने आप फ्लोट बन जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से लिख देना, ये क्वेश्चन दो नंबर में पूछा गया है और इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल देके लिख देना है, दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।